नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अगरवाल कुकिंग सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए मौसम्बी के छिलकों से पाउडर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं मौसम्बी के छिलकों से पाउडर किस तरह बनाते हैं। मौसम्बी के छिलकों से पाउडर बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार मौसम्बी के छिलके। मौसम्बी के छिलके निकाल कर सभी मौसम्बी के छिलकों को इस तरह बारीक टुकड़ों में कट कर लीजिए। अभी कट किए इन सभी मौसम्बी के छिलकों को 5 से 6 दिन की तेज धूप में सुखाने के लिए रख दीजिए। तो मिलते हैं तीसरे दिन। देखिए तीसरे दिन मौसम्बी के छिलके कुछ इस तरह सूख कर तैयार हो चुके हैं। अब इन सभी मौसम्बी के छिलकों को 2 दिन की और तेज धूप में सुखा लीजिए। तो मिलते हैं पाँचवें दिन। देखिए पाँचवें दिन मौसम्बी के सभी छिलके अच्छे से सूख कर तैयार हो चुके हैं। इन सभी सुखाए हुए मौसम्बी के छिलकों को उछालने के बाद कुछ इस तरह मौसम्बी के छिलकों में से आवाज़ आने लगेगी। मौसम्बी के सभी छिलके अच्छे से सूख कर तैयार हो चुके हैं। मेरे इस रेसिपी के वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए मौसम्बी के छिलके इस तरह तुरंत टूटने लगे हैं। तो चलिए अब इन सभी सुखाए हुए मौसम्बी के छिलकों को पीस कर बारीक पाउडर बना लेते हैं। एक मिक्सर जार लेकर मिक्सर जार में इन सभी सुखाए हुए मौसम्बी के छिलकों को डाल दीजिए और इन डाले हुए मौसम्बी के छिलकों को पीस कर बारीक पाउडर बना लीजिए। देखिए इस तरह मौसम्बी के छिलकों का बारीक पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब इन पीसे हुए मौसम्बी के छिलकों के पाउडर को एक प्लेट में इस तरह निकाल दीजिए। तो देखिए इस तरह मौसम्बी के छिलकों का बारीक पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। इस बनाए हुए मौसम्बी के छिलकों के पाउडर को आप एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर 1 साल के लिए स्टोर कर रख सकते हो। मेरे इस बनाए हुए मौसम्बी के छिलके के पाउडर के रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी के बारे में अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिए। तो मिलते हैं एक और अगली नई रेसिपी के साथ। मेरे बनाए हुए इस रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।